بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

व युबून और वह अल्लाह को महबूब रखते हैं आज अदमिन वो ममिनों पर मेहरबान हैं नरम है आयिलतील काफ़री काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं जो जाहिदून फ़ी सबी व अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं वाय ख़ाफू नलमतलाम और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते जायदल होती ही मैशा ये अल्लाह का फजल है वो ये जिसको चाहे दे दे, वो अल्लाम और अल्लाह वो वसात वाला जानता है जानने वाला ये आयत जब नाजिल हो गई तो सहाब कराम रजी आलम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लाम वो ऐसी कौन सी कौम है कि जो हमारा हमारे बदले में आ सकती है और अगर अब हम इस्लाम को छोड़ दें तो वो हमारी जगह पर आ जाए और वो इस्लाम की खिदमत करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर सलमान फ़ारसी रज़ील् बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रख कर फरमाया कि वो इनकी नस्ल से आएगी यानी अरब नहीं होंगे आजम होंगे और फ़ारसी ज़बान होगी या दूसरी ज़ुबान होंगी लेकिन होंगे आज़म। और ऐसे ही हुआ सहाब कराम रसीम तो मरत नहीं हुआ अल्लाह तबारक ताली ने उनकी हिफाजत फरमाई और वो अपने दीन पर जमे रहे लेकिन सहाब कराम रजी तो आरम के बाद दीन की जो खिदमत की है फिर वो आजम केमा ने की है आईम अरबा आम से इमाम अब हनीफा अरब नहीं हैं इमाम मालिक इमाम शाफी ये दोनों अरब हैं इमाम अहमद अरब हैं लेकिन बाकी इमाम सफियान सूरी अरब नहीं है इमाम अफजाई अरब नहीं है इमाम ये अरब नहीं है इमाम अब्दुल ये अरब नहीं है हसन बसरी ये अरब नहीं है ये आताबन अबी रबा ये अरब नहीं है ये सब बाहर के लोग हैं जिन्होंने फिर दीन की खिदमत की है फिर हदीस की किताबों में इमाम बुखारी ये अरब नहीं है इमाम मुस्लिम भी अरब नहीं हैं और इमाम तिरमिजी ये अरब नहीं है इमाम अबू दाऊद अरब नहीं है इमाम इब्न माजा अरब नहीं है इमाम इब्न अबी शैबा जी अरब नहीं है इमाम अब्दुल रज़ाक अब्दुलरजाक़न ये अरब नहीं है इनमें से फिर कोई अरब नहीं है इमाम मालिक अरब हैं और इमाम भी अरब हैं और इसी तरह बात के जो मशाइ हैं सिलसिले तस्वुफ़ के शेख अब्दुल अब्दुल्कर जीदानी ये अरब नहीं है ख्वाजा मोहनुद्दीन चश्ती अजमेरी ये अरब नहीं है इस तरह शेख शहबुलद्दीन सहरउदी ये अरब नहीं और शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी ये अरब नहीं ये सब फिर बाहर के हैं फिर अल्लाह तबारक ने दीन की जो खिदमत ली है फिर वो अरबों से नहीं दी और इसकी बजाय हमत यही समझ में आती है कि जब अल्लाह तबारक व ने नेरबों में नबी भी बेजा और सुहाबा भी अरब बनाए तो अब ये इंसाफ के ख़िलाफ़ होता कि आजमों में कुछ भी ना होता तो फिर अल्लाह तबारक व ने नेम की खदमत के लिए हदीस की खिदमत के लिए फ़िका की खिदमत के लिए फिर आजमियों को कबूल किया और इसके साथ साथ हमारे लिए जो इस आयत में सबक़ है और जिस सबक़ की वजह से हमें मुतनब किया जा रहा है वो सबक़ असल में यह है कि देखो आमिदीन वहाँ पर जाता है जहाँ परमिदीन की कदर होती है जहाँ इसम की क़दर होगी ये येम वहाँ पर जाएगा और जहाँ इसकी बेकदरी होगी तो ये येम वहाँ पर नहीं जाता अन्नूजी रहमु जो साब हिदायमामगी के शागिद हैं انك كتابه تعليم تعظیم المتعلم उसमें उन्होंने العلم عز لا ذل فيه ويحصل بذل لا عز فيه كعلم علم علم دین سراسر اسمك लेकिन ये हासिल हो गए ऐसी जल्द के साथ कि उसमें कोई इज्जत नहीं होगी आपको उस्ताद की शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी आप उसके सामने आपको अपने जानू तय करने पड़ेंगे आपको उसकी बात माननी पड़ेगी और आपको उसका अदब करना पड़ेगा आपको दम का अदब करना पड़ेगा और दम के जो आदात हैं कापियाँ हैं कदम हैं टिपाइयाँ हैं इनका अदब आपको करना पड़ेगा और अपने आप को पूरे का पूरा दम का महताज बनाना पड़ेगा तो तब जाकर यहम आपको हासिल होगा इसी तरह ईदम के बारे में एक और मकबूला मशहूर है कि अलमल्ला युवती का बजहू हा तो ये भी जन्नूजी रमोल्ला ने उसी किताब में नकल किया है ये भी बुज़ुर्गों का मकूला है अलमुल्ल युवती का बाहू हा तो कदम आपको अपना बाज़ हिस्सा भी नहीं देगा जब तक कि आप अपने आप को मुकमल ईदम के हवाले न करें तब जाकर येम हासिल होता है तो शुरू में जब अरबों में ईदम की क़दर रही तोम अरबों में रहा फिर जब अरब अरब से ये कदर बढ़ गई और ये आ गई आजम में और आजम में भी आ गई मावरा अन्हर के इलाक़े में बुखारा में तिरमिज में समरकंद में इन इलाकों में जब दम की क़दर आ गई तो ईदम अरब से रुखसत होकर यहाँ पर आ गया फिर इसके बाद एक मौका ऐसा आया कि सिंध के इलाके ठट्टे में दम की कदर रही तो ये इमाम मकफूल शामी वगैरह ये जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं ये फिर शाह ये सिंध के हैं और यहाँ पर ईदम की क़दर रही तो एकदम फिर वहाँ पर आ गया अब मौजूदा ज़माने में बर सगैीर में चूँकि ईदम की क़दर है हिंदुस्तान है पाकिस्तान है बांग्लादेश है तो तकरीबन ये ढाई सौ साल हो गए हैं ढाई सौ तीन सौ साल कि अब ईदम यहाँ पर है इससे पहले आलम दहली में था जब शाह बली शाह महदिश तेजवी और उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज महद तेजवी शाह इसहाक महद तेजवी जो उनके नवासे बनते हैं और शाह अब्लर महदिश तेजवी शाह रफी उद्दीन महदीस इन बुज़ुर्गों के यहाँ धलम की कदर थी तो आलम फिर उनके खानदान में आ गया तो तोलम की जहाँ पर क़दर रही है एदम वहाँ पर गया बीच में एक मौका ऐसा आया कि एदम मगर में आया एदम उनदुलस में रहा कुरतबा में रहा यहाँ पर रहा इमाम मालिक रहा ने उनके शागिदों ने यहाँ पर काम किया इसलिए कि उस जमाने में यहाँ पर एदम की क़दर थी तोम हमारा महताज नहीं इस्लाम हमारा महताज नहीं अहम ओदम के और इस्लाम के महताज हैं नमाज हमारी महताज नहीं हम नमाज़ के महताज हैं तकवा हमारा महताज नहीं हम तकवा के महताज हैं ये नेकियां हमारी महताज नहीं हम इनके महताज हैं गुनाहों से बचना ये हमारी ये गुनाहों की ज़रूरत नहीं ये हमारी अपनी ज़रूरत है अगर हम गुनाहों से खुद को बचाएँगे अगर हम तकवा और परहेज़गारी वादे रास्ते को अपनाएँगे अगर हम दम हासिल करेंगे तो इससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी चाहे वो दुनियावी ज़रूरतें हों या आखिरत की ज़रूरतें हों तो ये ज़रूरतें हमारी पूरी होंगी और आखिरत में पूरी होंगी जन्नत में जाना जी हमारी ज़रूरत है येदम की कोई ज़रूरत नहीं दो में न जाना जी हमारी मजबूरी है गुनाह की कोई मजबूरी नहीं गुनाह तो एक बेहस चीज़ है लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएँ ताकि दो की सख्तीय से और वहाँ के अजाब से हमें निजात मिल जाए तो ये बुनियादी सबक़ है इसमें जो हमें दिया जा रहा है इसका फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर दो सिफतें इनकी बयान की गई हैं कि वो कौन से लोग हैं कि वो अल्लाह को महबूब हैं और अल्लाह उनको महबूब है बात तो यही है ना युब्बू में युब्बू न तो इनकी सिफात क्या है इनकी क्वालिटियाँ क्या हैं तो यहाँ पर तीन क्वाल्टियाँ बयान की गई हैं उनकी तीन सिफात पहली सिफत ये बयान की गई है कि आयिन आदल मनीन वो अहद ईमान के बारे में बड़े नरम होते हैं मेहरबान होते हैं मुशफ़ होते हैं और हमारा मामला अल्लाह माफ़ कर उल्टा है हम काफिरों को तो दान फाड़ फाड़ के कह देते हैं वेलकम सर और जब मुसलमान सामने आते हो गए तो तू मीनू नहीं जानता मैं, जान मैं कौन आऊँ मुझे नहीं जानते तो मैं कौन हूँ फिर हमारी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज वो बदल जाती है इसके अपोज़िट कह रहा है अगर किसी से हमारी नाराज़गी हो जाती है तो हम उसके सलाम का जवाब नहीं देते उसको सलाम करना अपनी तोहन समझते हैं मुसलमान से नाराज़गी का इजहार हम यूँ करते हैं और जब गैरमौसम हमारे सामने आता है तो वेलकम वग़ैरह और इस तरह के गुड आफ्टरनून गुड मार्निंग और गुड इवनिंग वगैरह गुड नाइट वग़ैरह ये अल्फाज कहते हुए अगर दिन में सौ दफ़े भी कहने पड़े तो हम नहीं थकते मैं ये नहीं कहता कि ये न कहें लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुरान का मामला इससे उलट है कुरान ये कहता है कि आयीन आलमी मरों के मुकाबले में अहद ईमान ये नरम होंगे जो अल्लाह की महबूब कौम है और अल्लाह की महब कौम के हैं ये उनकी पहली सिफत है कि मुसलमान के मुकाबले में वो महबान होंगे नरम होंगे उनके बारे में सफ, उनके मुकाबले में सख्त नहीं होंगे दूसरी सिफत क्या है आयिन आल हाँ मुस्लिमों के बारे में वो सख्त होंगे खासकर जब हालत जंग हो और मैदानी जंग हो फिर वहाँ पर कोई नरमी नहीं होगी मारे गए हो बज़म यारा तो बरेशम की तरह नरम मारे गए हक़ व बातिल हो तो फौजाद है मुमिन। फिर ये कैफियत होती है ज्यादा अकबान ने बिल्कुल सही तर्जमानी की है तो दूसरी सब है कि वो गैरों के मुकाबले में सख्त होते हैं ये उनकी दूसरी सिवत है तीसरी सिबत उनकी ये है कि बल्कि चार सबतें यहाँ पर बयान की गई हैं तीसरी सिवत यह है कि योजद नफी सबीदल वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं जहाद की जो भी सूरत हो और जो भी ज़रूरत हो और उस वक्त का जो भी तकाजा हो उसके मुद उसके मुताबिक वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में मशगूल होते हैं जी इनकी तीसरी सिपत है और चौथी सिपत उनकी ये बयान की गई है वला ख़ाफू नल मतला कोई मलामत करने वाला मलमत करे वो इसकी परवाह नहीं करते उनकी नज़र तो सिर्फ़ एक अल्लाह पर होती है बस सारा जहाँ नाराज़ हो परवाह न चाहिए पेश नज़र तो मर्जी ये जाना न चाहिए बस इस नज़र से दे कर दो कर ये फैसला कि क्या करना चाहिए और क्या न चाहिए उनकी नज़र सिर्फ़ अल्लाह पर होती है कि वो अल्लाह उनसे राज़ी है या नाराज़ है बस यही उनकी कसौटी है यही उनका तराजू है और यही उनका मत मतफाई नज़र और पेश नज़र होता है और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है बस इस आगे वो सोचते नहीं लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहते हैं शेख नजीसी मौलाना जकरिया साहब रहा ने अब बीती में अपने एक वाक़ बयान किया है कहने लगे कि मैंने अपनी बेटियों की शादी इंतहाई सादगी से कराई कोई ये जो जहेज़ वगैरह में सामान वगैरह दिया जाता है इनमें से कुछ भी मैंने नहीं दिया हाँ उनकी ज़रूरत की चीज़ें बाद में मैंने उनको दे दी और मौलाना ज़ादर रायपुरी रहे मौलाना ने जो मुझे हजिये में औरतों के कपड़े दिए वही मैंने बच्चियों को पहनाए और उसमें के तौर पर मैंने उनकी शादियाँ कराईं तो खानदान की औरतें आ गईं और कहा कि इन्होंने हमारी नाक काट दी खानदान की औरतें आईं और आकर कहा कि इन्होंने हमारी नाक कटवा दी मुशरे में खानदान में कहते हैं कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख कर कहा मैंने कहा मेरी नाक कह तो मौजूद है तुम्हारी ना कटी होगी तो कटी होगी मेरी तो नहीं कटी तो ये होता है तो उनकी नज़र सिर्फ़ अल्लाह की जार पर होती है लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे इसकी बात इसकी परवाह उनको नहीं होती और यही हकीकत है कि हम अगर कोई काम करते हैं तो कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे लोग बातें करेंगे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन लोग जो पहले थे वो अब हैं और वो आइंदा होंगे इंसान कब्र में चला जाता है और लोग उसको याद भी नहीं रखते लोग उसको भूल जाते हैं इंसान का अपना किरदार है उसका अपना अमल है जो उसके साथ कब्र तक जाता है तो यहाँ पर यही वजाय ख़ाफू नलवतम ये बात अगर हमें हासिल हो गई ना तो यूँ समझें कि तीन हिस्से वलायत के हमें हासिल हो जाएंगे सिर्फ़ ये बात अगर हमें हासिल हो होगी कि हमारी नज़र सिर्फ सिर्फ़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर हो अल्लाह के हुक्म पर हो अल्लाह की मर्ज़ी पर हो अल्लाह की मंशा और मशीयत पर हो इससे आगे हमारी नज़र जाए नहीं ये चीज़ अगर हमें हासिल हो गई तो समझें कि हम विलायत के ऊंचे मकाम तक पहुंच गए जी बुनियाद और इसको हासिल करने की कोशिश करनी है अल्लाह तबारक ताल की तोफी फरमा